नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्वेइंग सर्वेइंग फ़र्स्ट है आपको सर्वे किया जाता है और ये भी एक सिविल इंजीनियर को बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सर्वे कंडक्ट किया जाता है ठीक है प्लॉट किया जाता है सर्वे डाटा प्रिपरेशन ऑफ सर्वे मैप्स मैप्स को तैयार किया जाता है सेटिंग आउट वर्कस तो हमें सर्वे की नॉलेज होनी चाहिए सर्वे uh, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी हंड्रेड मार्क्स का इसका एक्सटर्नल होगा इसमें पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन आती है तो सर्वे करने के लिए सर्वे मतलब वही मेज़र हम पूरे एरिया को सर्वे किया जाता है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं चेन सर्वेइंग की जाती है चेन की मदद से लीनियर मेज़रमेंट की जाती है आ, उसको लीनियरली मेज़र किया जाता है एरिया को तो चेन का इस्तेमाल किया जाता है चेन और टेप का इस्तेमाल किया जाता है आप चेन सर्वे के बारे में इसमें पढ़ोगे कम्पास सर्वेइंग होती है कम्पास की मदद से हम एंगुलर सर्वे कंडक्ट करते हैं डिफरेंट एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं बेयरिंग फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग के बारे में आप कंपास सर्वेइंग में ही पढ़ोगे उसके बाद आती है हमारे पास लेवलिंग लेवलिंग हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे डिफरेंट लेवल्स लेवलिंग का मतलब होता है क्योंकि ज़मीन जो है वर्टिकली कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है तो समुद्री तट जो है हमारा समुंदर है उसको हम ज़ीरो मानकर चलते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ज़मीन कितनी ऊंची है फ्रॉम मीन सी लेवल आपका जो हाइट है आपकी किसी भी जमीन की लैंड की वो कितना ऊंचा है अगर आप कहीं पे भी देखो रेलवे स्टेशन कभी जाओगे तो आप देखना रेलवे स्टेशन जहाँ पे स्टेशन का नाम होता है उसके नीचे मीन सी लेवल ज़रूर मेंशन किया होता है कि ये समुद्री तट से कितनी ऊंचाई पे है तो लेवलिंग में हम बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं कि ये पॉइंट uh, जो है समुद्री तट से कितनी ऊंचाई पे है दो मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं एक तो होता है हाइट ऑफ कॉलीमेशन मेथड एच आई मैथड जिसको बोलते हैं और दूसरा है राइज एंड फॉल मैथड दोनों से आपको क्वेश्चन निकलवाए जाते हैं बीस नंबर का ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है बीस नंबर का कंपास आता है बीस नंबर का ही हमारा चेन सर्वे आता है लास्ट है हमारा प्लेन टेबल सर्वे पाँचवा प्लेन टेबल सर्वे में टेबल प्लेन टेबल एक शीट रखी जाती है टेबल और इसमें कुछ इसके इसमें जो भी हमारे टूल्स हैं जैसे आ, एलिडेट का इस्तेमाल किया जाता है स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और उसकी मदद से हम ऑन शीट ऑन द फील्ड ही हम पूरा जो है ऑफिस वर्क और शीट वर्क एक ही साथ कर देते हैं डिफरेंट मेथड्स की मदद से पूरा एरिया प्लॉट किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे में ये भी हमारा बीस नंबर का ही आता है डिफरेंट मेथड्स में इसमें रेडिएशन इंटरसेक्शन ट्राइवर्सिंग एंड री मेथड जो है ये हमारा इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल चेन सर्वेइंग में uh, आपको किया uh, ये कंडक्ट कर करवाए जाते हैं जैसे चेन सर्वेइंग में है डिफरेंट उसके बाद चेनिंग ऑफ द लाइन इन्वॉल्विंग रेसिप्रोकल रेंजिंग चेनिंग लाइन इन्वॉल्विंग ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग चेन सर्वे ऑफ द स्मॉल एरिया उसके बाद कंपास सर्वेइंग करवाया जाता है लेवलिंग ये सभी के प्रैक्टिकल्स भी आपको साथ साथ में ही आपको कंडक्ट करने हैं आपको ये करने ना अगला हमारा जो है ये थ्रेटिकल है थ्रेटिकल सब्जेक्ट है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स कंस्ट्रक्शन मटीरियल क्योंकि सिविल इंजीनियर को डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी पता होना चाहिए आपने अपनी पूरी लाइफ में आगे जाकर लकड़ी के साथ टिम्बर बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे लाइम सीमट आ, वुड पेंट्स वार्निशेस, मेटल्स मिसलिनियस मटीरियल्स ये सारे मटीरियल्स जो हैं ये आपके इस्तेमाल होने वाले हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है सॉरी इसके बारे में आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन मटीरियल में ठीक है जैसे बिल्डिंग स्टोन्स हैं बिल्डिंग स्टोन कैसे बनते हैं सबसे पहले तो उसकी फॉर्मेशन देखोगे इग्नियस होते हैं सेडिमेंट्री होते हैं मेटामॉफिक रॉक्स होती हैं ठीक है उसी से हमें ये स्टोन मिलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ते हैं हम ठीक है किस किस तरह के स्टोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं मार्बल कोटा स्टोन ग्रेनाइट सैंड ट्रैप ब्लास्ट स्टोन लाइम स्टोन एंड द स्लेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स वेरियस यूजेज़ ऑफ द स्टोन इन द कंस्ट्रक्शन क्वेरिंग ऑफ द स्टोन स्टोन को कैसे क्वेरी किया जाता है तो स्टोन पहला चैप्टर है दूसरा है ब्रिक्स एंड द टाइल्स ये भी एक तरह का मटीरियल है जो इस्तेमाल होता है ठीक है तो ब्रिक्स कैसे इंट्रोडक्शन टू द ब्रिक्स रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्रिक को ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के कौन कौन से मेथड हैं किस तरीके से क्ले को प्रिपेयर किया जाता है मोल्डिंग uh, कैसे की जाती है ब्रिक की किस किस किलन में इसको गर्म किया जाता है जो ईंटों के भट्ठे होते हैं बुल ट्रेंच किल्लन होता है हॉफ हॉफ मैन किलन होते हैं दो तरह के किलन होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स एज पर बी आई एस वन जीरो डबल सेवन क्लासीफाई किया जाएगा ब्रिक्स को फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक होती है तीन तरह की क्लासेज होती हैं इसकी उसके बाद टेस्ट किस किस तरह के परफॉर्म किए जाते हैं पता करने के लिए कि ब्रिक कौन सी क्लासीफिके कौन सी टाइप की है उसके बाद टाइल्स के बारे में भी उसी तरह से या टाइल्स किस किस तरह की होती हैं इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीमठ सीमट के बारे में सीमट भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है इंट्रोडक्शन है इसके ऊपर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से लगते हैं सीमट को बनाने में फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमट सीमट को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बाद बताया कि किस किस तरह के सीमेंट होते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलते हैं आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिलते हैं लो हीट सीमेंट मिलते हैं हाई एल्युमिना सीमेंट मिलते हैं ब्लास्ट फाइन एंड स्लैक सीमेंट मिलते हैं वाइट एंड द कलर सीमेंट मिलते हैं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट मिलते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट मिलते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट फाइननेस साउंडनेस इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम एटसेट्रा एज पर बी कोड उसके बाद लाइम लाइम हो गया चूना जो ये भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सीमट से पहले इसी को बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था सीमट जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले तो इंट्रोडक्शन में लाइम एज वन ऑफ द सीमेंटिंग मटेरियल्स क्लासिफिकेशन एंड द टाइप्स ऑफ लाइम एज पर बी कोड कैल्सिनेशन एंड स्लैकिंग ऑफ लाइम ये जो है ये हमारा लाइम के अंदर आता है टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट तो इसमें भी आपको बताया जाएगा कि किस किस तरह का जो टिम्बर है मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ़ टिम्बर टीक द्योदर शीशम साल मैंगो काइल चीर फिर होलॉक और आ, चांप जो है ये इस्तेमाल किया जाता है तो मार्केट फॉर्म्स ऑफ द कन्वर्टेड टिम्बर जो है एज़ पर वी आई एस कोड सीजनिंग टिम्बर की कैसे की जाती है पर्पस ऑफ मेथड ऑफ़ सीजनिंग एज़ पर क्यों ये की जाती है उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टिम्बर एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर uh, ये सारी चीज़ें हमारी टिम्बर में आती हैं पेंट्स एंड वार्निश में इंट्रोडक्शन क्या है पर्पस क्या है यूज़ करने का पेंट को टाइप कौन कौन से होते हैं किस किस तरह का पेंट होता है इंग्रेडिएंट्स क्या इस्तेमाल होते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज़ ऑफ ऑयल पेंट्स वाटर पेंट्स एंड द सीमट पेंट्स कवरिंग कपैसिटी ऑफ द वेरियस पेंट्स टाइप्स प्रॉपर्टीज़ एंड द यूज ऑफ वार्निश ट्रेड नेम ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो उसके बाद हमारे मेटल्स भी इस्तेमाल होते हैं मेटल्स कौन कौन से हैं फेरस मेटल होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है ठीक है उसके बाद कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द कास्ट आयरन माइल्ड स्टील एच वाई एस डी स्टील हाई टेंशन स्टील एज पर बीआईएस आई एस कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ द फेरस मेटल्स फ़ेरस मेटल्स की कौन कौन सी फॉर्म जो है आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती है एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील मिसलिनियस मटीरियल्स जो बाकी बचे हुए मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा इसके भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वो ज़रूर पढ़िएगा सीमेंट के ऊपर होते हैं ये फाइनेस कैसे चेक की जाती है सीमेंट की फ़ील्ड टेस्ट इस पर कंडक्ट किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ़ सीमेंट के ऊपर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है साउंडनेस ऑफ द सीमेंट ये सारे इस पर हम हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी किस किस टेक्निक से जो है कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग की अब क्योंकि एज़ अ सिविल इंजीनियर सुपरविजन आपके काम के अंदर आपको सुपरवाइज़ करना है प्रोजेक्ट को तो सुपरवाइज़ करने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पे होल्ड होना एक सिविल इंजीनियर का बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन है सबसे पहले बिल्डिंग किस किस तरह की होती है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बिल्डिंग के बता रहा है फाउंडेशन कौन कौन सी आएगी तो इसमें फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स को आपको बताया जाएगा शैलो फाउंडेशन है डीप फाउंडेशन है शैलो फाउंडेशन में कौन कौन सी फाउंडेशन आती है किस तरीके से फाउंडेशन को सेट किया जाता है थम्ब रूल्स भी इस्तेमाल किए इसके बनाए जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप फाउंडेशन चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से वाल्स वाल्स का पर्पस क्या है क्यों दीवारें बनाई जाती हैं लोड बेयरिंग वॉल होती हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल होती हैं डवाफ वॉल्स होती हैं रिटेनिंग ब्रेस्ट एंड द पार्टीशन वॉल्स होती हैं तो क्लासिफिकेशन आ गई वॉल्स की क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स एज़ पर मटीरियल मटीरियल के हिसाब से ब्रिक की भी बनती हैं स्टोन की भी बनती हैं रीनफोर्स्ड ब्रिक की बनती हैं तो अलग अलग तरह के जो मटेरियल हैं प्री कास्ट हालो एंड द सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की बनने वाली ब्रिक्स आजकल आपने देखा सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है ईंट को बनाने के लिए पार्टीशन वॉल्स के ऊपर बताया कि पार्टीशन वॉल्स की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शनल डिटेल उसकी क्या है सूटेबिलिटी एंड द यूज ऑफ द ब्रिक एंड द वुडन पार्टीशन वॉल्स उसके बाद आती हैं मोटार्स टाइप सेलेक्शन ऑफ द मोटार एंड इट्स प्रिपरेशन उसके बाद स्कैफ़ होल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड द सूटेबिलिटी ऑफ द मैसन ब्रिक लेयर एंड द टेबुलर स्कैफ होल्डिंग uh, स्कैफ़ होल्डिंग. स्कैफ होल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको uh, कंस्ट्रक्शन होती है तो आपने देखा होगा वो बांस की फ्रेम बनाए जाते हैं जिसके ऊपर चढ़ के एक मैसन जो है वो सारा काम करता है उसको स्कैफ़ होल्डिंग कहते हैं तो ये सारी हमारी वॉल्स के अंदर आ गई मैसनरी मैसनरी ब्रिक मैसनरी का इस्तेमाल किया जाता है देखो अब मैशनरी दो तरह की होती है एक तो ब्रिक मैसनरी है एक स्टोन मैसनरी है और भी मैसनरी होंगी लेकिन चिनाई किसकी कर रहे हो ईंट से बना रहे हो घर या फिर स्टोन से बना रहे हो तो पहले उसने ब्रिक से जो, मैसनरी का बताया कि कौन कौन से बॉन्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रिकों को जोड़ने के लिए ब्रिक को जोड़ने का एक स्पेशल टेक्निक है उसको बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड्स होते हैं फ्लैमिश बॉन्ड होते हैं अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल है वो डेढ़ इंची है दो आ, मतलब आपकी ट्वेंटी सेंटीमीटर है थर्टी सेंटीमीटर है आ, या फोर्टी सेंटीमीटर की वॉल है उस पर भी डिपेंड करता है कि तो बॉन्ड्स जो हैं इंग्लिश बॉन्ड फ्लैमिश बॉन्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टोन मैसनरी स्टोन मैसनरी को कैसे आ, पत्थरों को आ, जैसे पत्थर जो होते हैं उनको ड्रेस किया जाता है उसमें भी एशन एशलर अलग होते हैं ठीक है रबल मैशनरी होती है एशलर मैसलरी होती है तो इनको कैसे स्टोन मैशनरी की पूरी डिटेल जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं उसके बाद आर्चीज एंड लिंटल्स के को, को डाला जाता है इसका मतलब क्या है इसमें इस्तेमाल होने वाले जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो आपको आर्चिस एंड लिंटल्स में बताया जाएगा आर्चिस की कौन कौन से टाइप्स होती हैं जैसे सेमी सर्कुलर होती है सेगमेंटल होती है लिप्टिकल होती है पैराबोलिक फ्लैट इन्वर्टिड एंड रिलीविंग लिंटल्स कौन कौन से हैं पर्पस ऑफ लिंटल मटेरियल यूज फॉर द लिंटल कास्ट इन सीतू एंड प्री कास्ट लिंटल्स लिंटल अलॉन्ग विद द सन शेड ऑफ द छज्जा डोर विंडो एंड वेंटिलेटर्स डोर विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स के बारे में आपको सिक्स चैप्टर में ये बता रहा है ठीक है अब डोर किस किस तरह के होते हैं पहले तो टर्म्स कौन कौन सी इस्तेमाल होते हैं जो नाम है डोर के उसके बाद क्लासिफिकेशन की जाती है वुड का होता है मेटल का होता है प्लास्टिक के डोर बनते हैं ठीक है सूटेबिलिटी फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से सूटेबिलिटी बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स पैनल डोर्स फ्लैश डोर फ्लैश डोर रोलिंग शटर ये सारे इसमें आ जाते हैं विंडो डोर एंड द विंडो फ्रेम्स डैम प्रूफ कोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी एंटर ना हो सके दीवार के अंदर तो पानी को रोकने के लिए जो कोर्सेज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं और डैम प्रूफ कोर्सेज़ के बारे में पूरा डिटेल में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे उसके बाद फ्लोर्स किस किस तरह के होते हैं आ, तो फ्लोरिंग डिफरेंट तरह की फ्लोरिंग होती है कॉस्टिन सीतु कंक्रीट फ्लोरिंग होती है ट्रेजो फ्लोरिंग होती है ठीक है पीवीसी फ्लोरिंग होती है इन सारी टाइप्स के बारे में टिम्बर के फ्लोर बनते हैं वो तो ये फ्लोर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर आ, हर अलग अलग पार्ट्स को जो बिल्डिंग के पार्ट्स हैं उसको डिटेल में पढ़ोगे किस किस तरह के मटेरियल से बनते हैं ठीक है और डिफरेंट uh, टाइप्स के बारे में पढ़ोगे वी आई एस क्लासीफिकेशन इन्होंने दी हुई हैं इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने किस तरह से स्पेसिफिकेशन इसकी ले डाउन की हुई हैं उनके ऊपर और रूफ़ नाइन्थ चैप्टर आपका रूफ़ के ऊपर बेस्ड है रूफ किस किस तरह के होते हैं और जैसे टाइप्स ऑफ रूफ्स में है कंसेप्ट ऑफ फ्लैट पिच्ड एंड द आज रूफ्स ठीक है तो ये रूफ वाले चैप्टर को कवर करेंगे जो रूफ में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी इस चैप्टर में कवर हो जाएगी लास्ट आता है स्टेयर्स स्टेयर्स होगी आपकी सीढ़ियाँ किस तरह की होती हैं किस टाइप की टाइप्स टर्म्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रही हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स आ जाता है आर सी सी की होती है टिम्बर स्टील एल्यूमिनियम प्लानिंग एंड द लेआउट ऑफ द स्टेयर्स कैसे इसको प्लान किया जाता है बनाया कैसे जाता है लेआउट कैसे किया जाता है वेरियर टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लेआउट्स भी इन्होंने बताया डॉग लेगड होता है ओपन वेल क्वार्टर ये सारा स्टेयर्स का हम दसवें चैप्टर में पढ़ते हैं और ग्यारहवा चैप्टर है हमारा इसका सरफेस फिनिशेस जो इसको प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे सरफेस फिनिशिंग में प्लास्टरिंग होती है पॉइंटिंग होती है पेंटिंग होती है पेंट किया जाता है फिनिश करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ द वाइट वॉशिंग सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट पेंट्स ये सारा हमारा आता है सरफेस फिनिशेस में एंटी टर्माइट मेजर्स लकड़ी को को दीमक ना लगे तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है मैसनरी फाउंडेशन को ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन आरसीसी फाउंडेशन को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो दिए जाएंगे एंटी टर्माइट दीमक ना लगे या और जो कीड़े वगैरह हैं ना लगे तो इसलिए टर्माइट ट्रीटमेंट भी है ये बारवाँ चैप्टर है कुल मिला के सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसका जो ये हमने इसको डिटेल में पढ़ा पाँच छः चैप्टर आपने पढ़ने हैं आपको हाफ ऑफ़ तो, द फिफ़्टी परसेंट सिलेबस ही पढ़ना होता है एग्ज़ाम्स के लिए और उसके बाद ये तेरहवा चैप्टर भी है अभी बिल्डिंग प्लानिंग है बिल्डिंग सर्विसेज़ है इसको ध्यान से आप देख लेना अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं इसमें प्रैक्टिकल्स को भी अच्छे से कर लेना क्योंकि पचास नंबर का इसका भी प्रैक्टिकल होता है तो इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ लेना कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें वही बॉन्ड्स के बारे में बताया हुआ है फ्लैमिश बॉन्ड कौन से हैं कैसे हम ले डाउन करते हैं टू रूम बिल्डिंग का ले आपको तैयार करना बताना है उसके बाद एक में तो पहले में तो खाली टूल्स और टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं जो एक मिस्त्री के पास टूल होते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे ये सारा इसमें आ जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है है सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि कवर करेगी आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट को जो अभी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को पढ़ा उसको हम ड्रॉ करेंगे ऑन पेपर कैसे नक्शा जो है मैप जो है उसको बनाया जाता है ये सारा आपको सिविल इंजीनियरिंग में आएगा तो ये था आपका इंजीनियरिंग इसमें सलेबस को आप ध्यान से देख लो ठीक है तो ये सारा हमारा जो है ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कवर हो जाएगा